जी वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है x की पावर 2 प्लस 3, x की पावर 2 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। 12 नंबर आपका है x अपान x प्लस 1, x अपान आपका क्या है x प्लस 1। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन करना है, यहां पर इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला डेवलप नहीं हो रहा है, इसको मैंने क्या किया x की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 2 में मैंने ब्रेक किया। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब टिल ऐड करने पे कुछ समझ नहीं आ रहा, या तो एडिंग है या सबट्रैक्टिंग है, तो नीचे प्लस 1 है ऊपर प्लस 1 होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस 3 है, इसको मैंने 1 प्लस 2 में ब्रेक किया। किसे में ब्रेक किया? 1 प्लस 2 में। अब 1 प्लस 2 में ब्रेक करते ही आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सो वी नो डाउट प्लीज ध्यान दें, मैंने इसको स्प्लिट किया बेटा, एस की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 2, 2 के साथ इसको मैं बिल्कुल अलग कर दूंगा। आर यू ओके? सो वी नो डाउट ये आपका हो जाएगा 1 और ये 2 इंटू आपका हो जाएगा 1 प्लस एस की पावर 2 आपका dx। आर यू ओके? आप यहां पर ध्यान दें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो गया, 2 अपने प्लेस पर है, ये किसका फॉर्मूला है भाई tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहां पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए यहां पर नीचे वाले को टिल्ट करने पे ऊपर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो 100% यहां पे एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग करनी है, लेकिन व्हाई एनी रीजन किसको ऐड करना है किसमें ऐड करना है ये जानना बहुत जरूरी है, ये रीजन आपको समझना चाहिए। तो रीजन आपका देखिए नीचे प्लस ए है, प्लस ए आप ऊपर ऐड कर दें तो प्लस ए क्या कर दें सबट्रैक्शन कर दें। ये देखिए तो सो मेनी नो डाउट इसको स्प्लिट कर दें, पार्टराइज कर दें, अलग अलग तोड़ दें, जैसा समझना चाहें जिस लैंग्वेज में। ये dx ये आपका 1 आ जाएगा, ये a इंटू आपका 1 अपान f प्लस a और आपका ये dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x a अपनी जगह, 1 अपान x का क्या हो जाएगा log। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आपने इसको t लेट क्यों नहीं किया। देखिए 1 अपान x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ ओनली x होता है, यहाँ देखिए ओनली x ही है, ये कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 2x होता तो हमें टी लेट करना पड़ता। आर यू ओके? समझ रहे? तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 5 अपान आपका रूट x है, तो x की पावर 2 अपान मैंने इसे रूट x किया और स्प्लिट किया तो 2x अपान रूट x माइनस 5 अपान रूट x। देखिए रूट x का मतलब है इसको आप 1/2 ले सकते हैं, रूट x का मतलब पावर x की 1/2 हो जाएगी। यहाँ भी रूट x को मैंने पावर 1/2 किया, बट यहाँ क्यों नहीं किया उसका रीजन है क्योंकि 1 अपान जो रूट एक्स होता है, 1 अपान रूट एक्स जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। क्यों होता है ये मैंने बेसिक पार्ट में बताया है, बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक ध्यान रखिए, बेसिक को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 5 पूरा आपको रीड समझ लीजिए, अगर उसको आपने रीड नहीं किया उसको वॉच नहीं किया तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने वहां बताई है। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होगा, इस बात को आप दिमाग में रखें। अब देखिए ये पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1/2 हो गया, तो 2 2 जा 4 बन गया 3/2, 1 से आधा गया तो आधा ही आएगा, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसमें इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन हो जाएगा एन प्लस 1,
आर यू ओके। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वन बाय टू प्लस वन, अपान में भी आपका हो जाएगा वन बाय टू प्लस वन, यानी एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। ये ऑलरेडी आपका टेन रूट एक्स से होल इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी ऐड हो जाएगा। आर यू ओके, होल इंटीग्रेशन होती है इंटीग्रेशन, प्लस सी ऐड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पर क्या होगा, फाइव बाय टू, और ये फाइव बाई टू तो होगा लेकिन चेंज हो जाएगा टू बाई फाइव में, ठीक है। यहाँ भी टू इंटू आपका एक्स की पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, और नीचे इसका जस्ट अपोजिट थ्री बाई टू होगा, चेंज कर देंगे तो अब आ जाएगा टू अपान थ्री, और माइनस का टेन रूट एक्स एन प्लस सी। ओके, तो ये आपका एग्जैक्टली सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका थर्टीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 10x प्लस cot x का होल हाफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या रिटर्न है आपका 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर है। क्या बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू आपका टेन एक्स होगा इंटू कॉट एक्स होगा एन डी एक्स, ठीक। टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन यहां रिटेन करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को आप यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता तो ओनली टी है, ओनली आपका टू आ जाएगा। देखिए 10x into cot x ये 1 हो गया, तो ये आपका only 2 आ गया। अब minus का 1 minus 2 और ये plus 2 ये cancel हो जाएगा, minus का 1 minus 1 minus 2 और plus 2 आपका cancel, यहाँ पर only आपको find होगा क्या sec square x, तो sec square x और plus आपको यहाँ पर cosec square x find हो रहा है। तो सो मे नो डाउट sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होगा, cosec square x का क्या होगा minus cot x n plus। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको टीच कर रहा हूं 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है बेटा, वन प्लस कॉस 2x। 16 भी कुछ इसी तरह से है, ओके। तो यहां पर ध्यान दें ये कैसे होगा, कॉस के आगे कभी भी प्लस हो, कॉस के आगे कभी भी प्लस हो तो फॉर्मूला टूटता है कॉस वाला, क्योंकि कॉस 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं, चार, तो चार फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2a के आगे कभी भी प्लस होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस 2x इक्वल एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय ट्रिग्नोमेट्री, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होते तो और भी हैं दो, लेकिन हमारी रिक्वायर इनसे ज्यादा होती है। जब भी कॉस के आगे प्लस होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यानी यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो ये फॉर्मूला ब्रेक होता है, और जब इसके आगे यहाँ माइनस होगा तो ये फॉर्मूला आपका ब्रेक होगा, यानी यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस के आगे प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन आपका, तो वन से वन कैंसिल हो गया,
तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 by 2 आपका ऑलरेडी बाहर हो गया, 1 अपॉन cos को आप by trigonometry sec स्क्वायर x रिटेन कर सकते हैं, तो इसके बाद तो नो डाउट 1 by 2 अपने प्लेस पर है, sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन फार्मूला होता है 10x एंड हो गया प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दें, यहां पर cos के आगे माइनस है और मैंने आपको अभी भी बताया है कि cos के आगे कभी माइनस है तो फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का ब्रेक होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का। तो यहां पर मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के फार्मूले को यहां पर ब्रेक किया। तो देखिए जैसे ही इसको मैं करता हूं तो फर्क क्या पड़ेगा, 1 माइनस 1 ये माइनस अंदर ट्रेवल करेगा तो प्लस आपका 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, सो वी नो डाउट 1 से 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन आपका हो गया 2 sin स्क्वायर x dx। ओके अब देखिए 1 by 2 जो आपका है ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन sin से ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x एंड प्लस c, आर यू ओके। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूलों का यूज हो रहा है और अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको नहीं कंफर्म होंगे तो इंटीग्रेशन आपको 100% समझ में नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्लस फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जिनकी डिटेल मैं लगातार देता रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी इसी तरह से हैं बस थोड़ा सा रूट कॉन्सेप्ट है, आर यू ओके। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा और बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेज भी लूंगा भाई, बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है विद इन रूट में 1 प्लस cos 2x, ठीक, और 18 नंबर आपका है अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था cos के आगे कभी भी प्लस हो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला ब्रेक होता है, cos के आगे कभी भी माइनस है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला आपका ब्रेक होता है। दो क्वेश्चन आपके हैं, पहला 1 प्लस cos 2x है, दूसरा आपका 1 माइनस cos 2x है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहां देखने से ही पता चल रहा है कि कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं बनना है तो यहां भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता है, यह ट्रिग्नोमेट्री का पहले यूज होगा तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा यूज करेंगे तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तक हम ट्रेवल करेंगे और जैसे ही इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला बनेगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ फॉर्मूला फंडामेंटल बहुत ही जरूरी है। तो सो नो डाउट कॉस के आगे प्लस है फॉर्मूला ब्रेक होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos के आगे आपका प्लस है तो देखिए सो वी नो डाउट 1 से 1 कैंसिल तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। तो सो वी नो डाउट रूट 2 आपका रूट 2 आप बाहर ले लें cos से रूट हटेगा तो ओनली cos x dx होगा, तो रूट 2 आपका अपने प्लेस पर है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x हो जाएगा, आर यू ओके, सो वी नो डाउट। यहां पर देखिए सिमिलरली cos के आगे माइनस का साइन है, cos के आगे माइनस साइन है और मैंने कहा था cos के आगे कभी भी अगर आपका माइनस होता है तो फॉर्मूला आपका ब्रेक होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहां देखिए जैसे ही माइनस अंदर ट्रेवल करेगा तो 1 माइनस 1 प्लस आपका 2 sin स्क्वायर x एंड dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
सो वी नो डाउट वन से वन कैंसिल हो गया, टू साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। देखिए रूट टू से तो हटेगा नहीं, बट ये क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, रूट टू अपने प्लेस पर है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, एंड प्लस क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन में टीच करूंगा। जय हिंद जय भारत।